हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं। सबसे पहली अपडेट है क्रेचर कमांडो के बारे में। ये कहा जा रहा है कि जून 14 को इसका फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा। हम लोग को ये पता था कि 9 जून से 14 जून के बीच में जो NSC फिल्म फेस्टिवल हो रहा है उसी में इसका फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा, लेकिन अब कन्फर्म डेट भी निकल के आ गई है कि जून 14 को NSC फिल्म फेस्टिवल में क्रेचर कमांडो का फर्स्ट लुक रिवील किया जाएगा। तो सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरी चीज़ गाइज, जो डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि शायद ये DC यूनिवर्स में अपियर हो सकता है और बहुत जल्दी ही। एक फैन ने क्वेश्चन पूछा था जेम्स गन से कि क्या डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर अपियर होगा DC यूनिवर्स में, क्या जेम्स गन के कुछ प्लान्स हैं। तो इनडायरेक्टली जेम्स गन ने कन्फर्म कर दिया है कि हाँ, डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर DC यूनिवर्स में अपियर होगा। और मुझको ऐसा लग रहा है गाइज, और शायद इनको ये करना भी चाहिए कि बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड जो मूवी है उसमें डेथ स्ट्रोक के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाए, एक एक्सटेंडेड कैमियो दिया जाए ताकि ऑडियंस वाकिफ हो जाए डेथ स्ट्रोक के कैरेक्टर से। उसके बाद जो टीन टाइटन्स की लाइव एक्शन मूवी बन रही है उसमें डेथ स्ट्रोक को मेन विलन बना दिया जाए। आई थिंक ये चीज़ काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि डेथ स्ट्रोक आप जानते हैं वो विलन वो टीन टाइटन्स का ही है, मेन विलन वो टीन टाइटन्स का ही। हालांकि वो बैटमैन से भी बैटल करता रहता है, लेकिन मेन विलन गाइज वो टीन टाइटन्स का ही है। तो मेरे ख्याल से अगर डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर अपियर हो रहा है तो बैटमैन ब्रेव एंड द बोल्ड में भी उसको अपियर कराया जाए, उसके बाद टीन टाइटन्स मूवी में उसको विलन बना दिया जाए मेन। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या ये सही चीज़ रहेगी। और तीसरी जो अपडेट थी गाइज वो ये है कि सुपर गर्ल का जो कैरेक्टर है वो शायद सुपरमैन मूवी में अपियर हो सकता है, क्योंकि IMDB जो पेज है सुपरमैन का उसमें मिली एलकॉक का नाम मेंशन किया गया है। लेकिन मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ, IMDB पे जो अपडेट निकल के आती है इसको आप ऑथेंटिक सोर्स या कंफर्म्ड सोर्स मान के मत चला करिए, क्योंकि कभी कभी इसमें मिस्टेक भी हो जाती है और बाद में पता चलता है कि गलती से ही एडिशन हो गया था। तो इसको आप कंफर्म्ड मत मान के चलिए, लेकिन अगर सुपरगर्ल का कैरेक्टर सुपरमैन मूवी में अपियर हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो पोस्ट क्रेडिट सीन में ही अपियर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सुपरमैन के बाद जो दूसरी मूवी होने वाली है हमारे DC यूनिवर्स की वो दरअसल सुपरगर्ल ही होने वाली है। तो हो सकता है जब सुपरमैन मूवी का एंड हो तो सुपरमैन ये सोच रहा हो कि क्या मैं अकेला क्रिप्टोनियन ही बचा हुआ हूँ, क्या मेरे अलावा कोई और क्रिप्टोनियन है भी। तो फिर बाद में हमको पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि हाँ, एक और क्रिप्टोनियन बचा हुआ है, यानी कि सुपरगर्ल जो उसकी कज़न है। तो इस तरीके से एक अच्छा हाइप बिल्डअप किया जा सकता है सुपरगर्ल मूवी के लिए। तो गाइज यही कुछ छोटी मोटी अपडेट्स थी। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि डेथ स्ट्रोक का कैरेक्टर अगर DC यूनिवर्स में अपियर हो रहा है तो कौन एक्टर उसको प्ले करे सबसे पहली चीज़, और किस तरीके से इंट्रोड्यूस किया जाए उससे DC यूनिवर्स में, ये भी ज़रूर बताइए।